हेलो बच्चों, आओ फिर से आप एक क्वेश्चन और लेकर आए हम तो आपके लिए। क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं, ठीक है। पहले द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 12x + 9 = 0 इज, यानी कि हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है हमारे पास डी इज ग्रेटर देन 0, बी ऑप्शन है डी इज लेस देन 0 और सी ऑप्शन है डी इज इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन है हमारा नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमें ये देखना है यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। कुछ हो सकता है कि आपको पता हो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, लेकिन हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन आ रहा है। अगर डी का वैल्यू हम इसको इस इक्वेशन को लेंगे 4x² - 12x + 9 = 0 को लेंगे और अगर हमारा डी 0 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन हमारा सी सही होना चाहिए। मान लो अगर डी 0 नहीं आता है, अगर हमारा पहला आ जाए या दूसरा आए, डी का मान ज़्यादा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए या 0 से छोटा आए, तो हमारा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। तो हम पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, 4x² - 12x + 9 = 0। अब इसकी पहले हम कंपेयर यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और इसकी कंपेयर किससे करेंगे, हम कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। जब इसकी कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a बराबर 4 मिलेगा, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी मिलेगी, ab = -12 मिलेगा। ऐसे ही अगर c की वैल्यू देखेंगे तो c की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, c = 9 है, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें d निकालना है। अगर d निकालने की हमारे पास एक शर्त होती है, वी नो दैट, हमें पता है। और हमें क्या पता है, d = b² - 4ac, ठीक है। ये हमारी एक शर्त है, ठीक है। d, अगर d का वैल्यू हम निकालेंगे, हम यहाँ से b² का मान कितना, -12, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा -4a, a का वैल्यू कितना हमारे पास 4, तो ये आ गया। और c का वैल्यू कितना 9, ये आ गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर, तो हमेशा प्लस में आएगा स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे इसको, अगर इसका स्क्वायर करेंगे 12 का तो आएगा 144 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 जा कितने होगा 16, और 16 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आएगा 144, तो 144 आ गया, ठीक है। अगर हम 144 में से माइनस करेंगे 144 तो कितना आएगा, 0 मिलेगा हमें। जब d = 0 आ गया तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, सी राइट हो गया, ठीक है। थैंक यू।